हेलो माय डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स गो टू सक्सेस। लेट्स स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीबीएस। सीबीएस स्टैंड्स फॉर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एंड कोर इज आल्सो एन एक्रोनियम दैट स्टैंड्स फॉर सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। देखते हैं कि सीबीएस का मीनिंग क्या है। सीबीएस के थ्रू किसी भी बैंक की जितनी भी ब्रांचेस होती हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होती हैं, उसे एक सेंट्रल सर्वर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, दैट इज सीबीएस। इसी के एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लेते हैं आपका एसबीआई चंडीगढ़ ब्रांच में आपका अकाउंट है, तो आप उसे दिल्ली में जाकर भी ऑपरेट कर सकते हैं। दिल्ली की एसबीआई ब्रांच में आपको दोबारा अपना अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको चंडीगढ़ एसबीआई ब्रांच ने आपका आइडेंटिफिकेशन कोड दिया होगा, आपको जस्ट दिल्ली में जाकर उस आइडेंटिफिकेशन कोड को देना है और आप अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। वहाँ दिल्ली में रहते हुए भी आप सेम एसबीआई ब्रांच से अपना पैसा विदड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज़ को इंजॉय कर सकते हैं। बिकॉज सभी ब्रांचेज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो गई हैं, एक सेंट्रल सर्वर पर कनेक्ट हो गई हैं, उसी को हम बोलते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। देखिए, हम सुनते हैं कि आरबीआई क्या है, बैंकर्स बैंक है। वो क्यों है? क्योंकि सभी बैंक्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए हैं बिकॉज ऑफ सीबीएस। ए है, ए ने पैसा ट्रांसफ़र किया है बी को, बी ने पैसा ट्रांसफ़र किया है सी को। देखिए, ए का अकाउंट है एक एसबीआई बैंक में और बी का अकाउंट है पीएनबी बैंक में, सी का अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में। सभी बैंक्स डिफरेंट हैं, ये एक दूसरे को पैसा ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं बिकॉज ये सभी बैंक एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। सभी बैंक्स एक सेंट्रल सर्वर पर कनेक्ट हो गए हैं। आरबीआई के पास सभी बैंक्स का डाटा है, पूरा रिकॉर्ड है, बिकॉज ऑफ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। इसी को हम बोलते हैं सीबीएस। कोर बैंक सॉल्यूशन इज ए नेटवर्क ऑफ ब्रांचेज विच इनेबल कस्टमर्स टू ऑपरेट देयर अकाउंट एंड अवेल बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑन सीबीएस नेटवर्क। ये जरूरी है कि वो ब्रांच एसबीआई नेटवर्क से कनेक्ट हो। जरूरी नहीं है कि आप उसको वो अकाउंट को कहीं भी मेंटेन कर सकता है, कहीं भी ओपन कर सकता है, लेकिन ऑपरेट वो कंट्री में रहता हुआ या वर्ल्ड वाइड कहीं भी ऑपरेट कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, द कस्टमर इज नो मोर कस्टमर ऑफ ए ब्रांच, ही बिकम्स अ बैंक्स कस्टमर। अब वो सिर्फ पर्टिकुलर ब्रांच का कस्टमर नहीं रह गया है। हमारा चंडीगढ़ एसबीआई में अकाउंट है तो हम सिर्फ उसी ब्रांच के कस्टमर नहीं हैं, हम एसबीआई के कस्टमर बन चुके हैं। जितनी भी ब्रांचेज हैं वर्ल्ड वाइड, हम कहीं भी अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं, तो हम पूरे पूरे बैंक के कस्टमर बन गए हैं और ये पॉसिबल हो पाए हैं ड्यू टू सीबीएस। देखते हैं, कोर सी स्टैंड फॉर सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करती हैं जो सीबीएस को और भी ज़्यादा पॉसिबल बनाते हैं। इंफोसिस ने फिनेकल को डेवलप किया हुआ है। ओ स्टैंड फॉर ऑनलाइन, दैट इज़ 24/7, हम एनी टाइम एनी वेयर बैंकिंग फैसिलिटीज़ को इंजॉय कर सकते हैं। आर स्टैंड फॉर रियल टाइम ट्रांजेक्शन्स इमीडिएटली प्रोसेस, ज़्यादा ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने में डिले नहीं होता, साथ ही साथ ट्रांजेक्शन हो जाती हैं। ई स्टैंड फॉर एक्सचेंज टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, दैट इज़ सीबीएस। जो सभी ब्रांचेज हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गई हैं, हम वर्ल्ड वाइड कहीं भी हमारे बैंक की ब्रांचेज हैं, हम बैंकिंग फैसिलिटीज़ को इंजॉय कर सकते हैं। कंट्री से बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाकर हम उस बैंक की ब्रांचेज में जाकर अपना अकाउंट दोबारा ऑपरेट कर सकते हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज़ को इंजॉय कर सकते हैं, पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं, और ये पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ सीबीएस। देखिए, सीबीएस को सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है और ये क्रिएट करता है सेंट्रलाइज्ड इन्वायरमेंट बिकॉज सभी बैंक्स की बैंक सभी ब्रांचेस
सेंट्रलाइज हो गई हैं, कनेक्ट हो गई हैं एक सेंट्रलाइज सर्वर पर, दैट क्रिएट अ सेंट्रलाइज्ड इन्वायरमेंट। एक सेंट्रलाइज सर्वर पर सभी बैंक्स की ब्रांचेज हैं, उनके जितने भी कस्टमर हैं उनका पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, लाइक दैट उनकी फाइनेंशियल डीलिंग, प्रोफेशन, इनकम, फैमिली मेंबर्स एक्सेट्रा। ना कि ब्रांच पर सिर्फ, ना ओनली ब्रांच सर्वर पर हमारी सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि एक सेंट्रल सर्वर पर रिकॉर्ड हो गई हैं। देखते हैं कोर बैंकिंग सर्विसेज के थ्रू हमें कौन कौन सी सर्विसेज मिली हैं, इसके अंडर कौन कौन से कंसेप्ट डेवलप हुए हैं। इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है, ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, थर्ड इज मोबाइल बैंकिंग, एम बैंकिंग, SMS बैंकिंग, टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग में क्या है, हम जस्ट एक फ़ोन कॉल करके बैंक में अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर बताकर अपनी कॉल, अपनी बैंक की डिटेल्स जान सकते हैं। एंड फिफ्थ इज MCC, दैट इज़ मल्टी सिटी चेक। इसका मीनिंग क्या है, हमने एक शहर में रहते हुए हमने चेक इशू किया और दूसरे किसी और शहर में रहकर उस बैंक चेक को कलेक्ट किया जा सकता है। दैट इज CBS, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।